क्या मुझे ग्रेजुएशन के बाद 1 से 2 साल जॉब करना चाहिए? क्या वर्क एक्सपीरियंस MBA के लिए फ़ायदेमंद होता है? क्या IIMs वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? अगर मैं 1 से 2 साल जॉब करके फिर MBA करूँगा तो क्या मेरा पैकेज ज़्यादा होगा? या तो मुझे एज अ फ्रेशर सीधे MBA एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना चाहिए विद दी एडमिशन एंड गो हैड इन माई करियर? वेल गाइज, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी बातों का वंस एंड फॉर ऑल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आंसर दूंगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइज, एज अ स्टूडेंट इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपके मन में ये डाउट्स होंगे कि मुझे क्या ग्रेजुएशन करने के बाद MBA करने के लिए डायरेक्टली जाना चाहिए या आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इसमें फ़ायदा या नुकसान होगा ये बात की बात है, बट लेट्स टॉक अबाउट कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर आप श्योर हैं दैट यू वॉन्ट टू डू MBA, अगर आपको पता है कि मुझे MBA ही करना है, देन आई से दैट देर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर 1 or 2 years, डू अ जॉब, गेट अ वर्क एक्सपीरियंस एंड देन गो फॉर MBA। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीजन ये, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट यू आर इन द जोन ऑफ स्टडिंग। जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपको एक आदत होती है थोड़ा बहुत पढ़ने की उस जोन में। वंस यू स्टार्ट अर्निंग योर प्रेफरेंसेस चेंज, आपके चीज़ें बदल जाती हैं लाइफ की, आपकी प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, आप जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। वो फाइनेंसेस कम ज़्यादा वो हैं कितने हैं वो बात की बात है, बट यू स्टार्ट गेटिंग मनी एंड यू गेट एडिक्टेड टू इट। हर मंथ के एंड में आपको एक फिक्स अमाउंट आता है एंड यू गेट ग्रीडी टू गेट दैट अमाउंट मंथ आफ्टर मंथ, एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग एंड एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन मीटिंग दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर बॉस, और कहीं ना कहीं पढ़ाई पीछे बहुत ज़्यादा छूट जाती है। अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा प्लान चलता है, देन द चांसेस आर आफ्टर एग्जैक्ट 1 year एज यू हैव प्लान अर्लियर, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MBA। बट इन दिस टाइम यू गेट अ लॉट ऑफ इमोशनल प्रोफेशनल स्ट्रेस वर्किंग एज अ फ्रेशर इन एनी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आपके दिमाग में हमेशा रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरी वन। अगर आपकी कंडीशंस ऐसे हैं और यू आर श्योर दैट यू वॉन्ट टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क एंड देन यू वॉन्ट टू गो फॉर MBA, और मे बी घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, देन यू मस्ट वर्क एंड देन एज द लाइफ टेक्स यू आफ्टर 1 year 2 years यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर MBA और नॉट। अब इससे फ़ायदा है या नुकसान? वेल गाइज, IIMs अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो IIMs आपको कुछ पॉइंटर्स देते हैं, आई अग्री, बट वो जो जो पॉइंटर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं एज अ स्टूडेंट टू गेट इन टू IIM, वो पॉइंटर्स इतने ज़्यादा नहीं होते जिससे बहुत ज़्यादा असर आएगा, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अगर मेरा रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर, कैट एग्जामिनेशन का स्कोर, या जैट का, या कोई ऐसा एग्जामिनेशन जो मैं अपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिम्बोसिस का स्नैप या नरसिम्हाजी का NMAT, वो मेरा अच्छा स्कोर है, तो वैसे भी मेरा जो ओवरऑल जो स्कोर आता है जिसमें आपका आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, आपका रिटन स्कोर आता है, आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, राइटिंग असेसमेंट टेस्ट, और बहुत सारे आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, एंड द वेटेज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। अगर आपका स्कोर, रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर अच्छा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। इट डजेंट मैटर टू गेट फ्यू पॉइंटर्स एक्स्ट्रा एंड कॉम्प्रोमाइजिंग 1 year 2 years टू गेट दैट वर्क एक्सपीरियंस, राइट? बट देन येस, यू गेट फ्यू पॉइंटर्स टू गेट इन टू द कॉलेज। अब एक और सवाल ये आता है कि सर क्या मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो क्या मुझे पैकेज ज़्यादा मिलेगा? वेल गाइज, येस, थोड़ा बहुत पैकेज मिल सकता है ज़्यादा, और प्रोबेबिलिटी पैकेज की ज़्यादा होती है। क्यों? लेट्स से आप कोई IT कंपनी या कंसल्टिंग कंपनी में एक बहुत ही जूनियर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, मे बी यू आर वर्किंग एज एन IT इंटर्न और वॉट नॉट, और आपका पैकेज है 3 lakhs पर एनम, और मे बी 3 to 6 lakhs पर एनम, जो यूजुअल एक मार्केट प्रैक्टिस है। आफ्टर डूइंग MBA
राइट, आफ्टर 1 ईयर यू गॉट एक्सपीरियंस आफ्टर डूइंग MBA, सो आपको एक फ्रेशर के मुकाबले मे बी 2 to 3 lakhs का फर्क गिरेगा. बट अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो इन्वेस्टेड 1 ईयर एडिशनल. आपने जॉब किया 1 साल, आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल जॉब किया, यू आर लुकिंग एट द 2 lakh एक्स्ट्रा पैकेज यू आर गोइंग टू गेट, और मे बी 3 lakhs, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द 1 ईयर विच यू इन्वेस्टेड वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो यू माइट गेट सम मनी एक्स्ट्रा, यू माइट गेट फ्यू लैक्स एक्स्ट्रा इफ यू फ्रॉम अ ग्रेट कॉलेज इन द पैकेज, बट देन फॉर दैट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 1 ईयर ऑफ योर लाइफ. सो एज अ स्टूडेंट, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर वर्क एक्सपीरियंस और यू वॉन्ट टू गो फॉर MBA डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन. बट मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं है, यू मस्ट गो फॉर MBA डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन. बट येस, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर लाइफ, दो मे बी यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड फैमिली प्रेशर, स्टिल यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड देन मे बी यू वॉन्ट टू डू MBA, देन ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर जॉब. फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदे के लिए बहुत सारे नुकसान भी हैं. सो इन शॉर्ट, द फाइनल डिसीजन इज योर्स. ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपीरियंस होने का, और ज़्यादा नुकसान भी नहीं है. तो इट इज़ अ बैलेंस्ड गेम. यू गेट समथिंग इफ़ यू सेक्रीफाइस 1 or 2 years डूइंग अ जॉब. बट येस, पढ़ाई के बाद, जॉब करने के बाद प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं. इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ प्रोफेशनल हु इज़ वर्किंग एंड देन स्विच टू स्टडी. मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैनेज नहीं कर पाते टाइम, जो एंड तक अपनी कंपनी को क्विट नहीं कर पाते क्योंकि उनको हर मंथ एक सैलरी मिलती है, एंड दैट इज़ सो अल्यूरिंग, दैट इज़ सो मच फैसिनेटिंग, एंड दे आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ गेटिंग द सैलरी एवरी मंथ. सोचते एक महीना और कर लें, एक महीना और कर लें, और कहीं ना कहीं स्टडीज सफ़र करती हैं. सो गाइज, दैट्स इट. आई होप यू गॉट एन आइडिया दैट वॉट आर दी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कीप दिस डिसीजन ऑन यू एज अ स्टूडेंट. बट एज अ पर्सन, यू माइट थिंक वॉट माई स्टैंड इज, इफ आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज, आई विल डेफिनेटली गो फॉर MBA after graduation if I have decided to do MBA. Why to invest 1 or 2 years doing something which you can do better after doing MBA? And of course, scores, I will work that time, at that preparation time, if I am in building my profile in terms of being good in physical appearance, by keeping fit, by focusing on my communication skills, maybe I'll learn a musical instrument or maybe a foreign language. And there are so many endless computer courses, tally, this, that, whatnot, you guys can do. Artificial intelligence toh abhi ek latest craze hai. That's it, guys. Just like always, I keep things up to the point. I do not complicate it. I always keep the decision to you by giving the plus and minus of every situation. Thank you and stay blessed.